बीपीएससी 70वीं की प्रीलिम्स एग्जाम होनी है और उससे पहले फिजिक्स वाला ने पूरे एएन कॉलेज को हजारों छात्रों के लिए बुक कर लिया। और वो इसलिए बुक कर लिया कि वहां पर हजारों छात्रों को प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स एक टाइप से दे दिया जाए। देखिए इन लोगों को आप अगर देखेंगे तो देखिए ये एएन कॉलेज में ये वो बच्चे हैं जो फिजिक्स वाला के टेस्ट में टेस्ट देने आए हुए हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे प्रश्न रहेंगे नहीं रहेंगे और उसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है शुरू में एडमिट कार्ड से लेकर रोल नंबर मिलाने तक की एवरीथिंग यहाँ पर पूरे परीक्षा के प्रक्रिया के तहत इनकी परीक्षाएं हुई है। और जिस प्रकार से देखेंगे कि ये वो कमरा है जिसमें छात्र परीक्षा दे रहे थे और एकदम से उस माहौल में जिस प्रकार से कि बीपीएससी 70वीं की परीक्षा होनी है। अभय सर हमारे साथ हैं, कैसे प्रश्नों को लास्ट समय में करके जानना चाहिए, क्या कुछ एवरेज स्कोर आ रहा है। अभय सर हमारे साथ हैं, सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। जब फिजिक्स वाला का नाम आता है, क्वालिटी और कंटेंट का नाम आता है, और ये इन बच्चों को सर एग्जाम से पहले आपने एएन कॉलेज में एकदम से परीक्षा वाला वातावरण में लाकर रख दिया, कैसे क्वेश्चन सेट किया सर? देखिए हमारी तो कोशिश यही थी कि 13 दिसंबर के पहले एक ऐसा माहौल बच्चे को मिले कि लगे कि वो सीधा एकदम एग्जाम ही दे रहे बीपीएससी पैटर्न पे। इसलिए देखे गए कि हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी थी उसी तरीके से थी। और जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो ये सबको पता है कि जो पूरी टीम दिल्ली बैठती है, पूरी कंटेंट टीम वहीं से क्वेश्चन बनी है, फिर वहीं से आई है। और कंटेंट टीम हमारी काफ़ी बेहतर है क्योंकि कंटेंट टीम से कई बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, इस बार भी किए हैं, 69 में भी किए हैं। तो ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन तैयार करते हैं, इसलिए अब ये बच्चे बताएंगे कि हमारा तो प्रयास था ही बेस्ट है, बच्चे बताएंगे कि कैसा रहा, मतलब इनको कैसा लगा क्वेश्चन। आइए बच्चों से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या नाम है मैम आपका। मेरा कुमार स्नेहा प्रिया। प्रीलिम्स देने वाली हैं आप जी, 3 से 4 दिन का भी समय बचा हुआ, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट देना कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड होता है? हम कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही सही थे, एकदम बीपीएससी पैटर्न थे जी। कहीं से ऐसा कुछ लगा कि लेवल डाउन जा रहा है, या फिर लगा कि नहीं लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, या फिर ऐसा लगा कि नहीं बीपीएससी जो अपना कोरम मेंटेन करते आ रही है अभी तक जो लेवल मेंटेन की है उसी के अकॉर्डिंग? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न के थे, ना लो थे और ना ही हाई थे, मॉडरेट था, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जो आता है वही था जी बिल्कुल। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं आप? पटना से। पटना से जी। टेस्ट दे रहे हैं और प्रीलिम्स से पहले ये बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए जरूरी होता है कि आप माहौल में टेस्ट जी। जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं वहाँ पे, जैसे ओएमआर टाइम से फिल नहीं कर पाना, या क्वेश्चंस को कैसे हाँका जाए कि अपना प्रिपरेशन अंडर द लेवल है या अबव द लेवल है, तो ये टेस्ट एक ऐसा माध्यम हम लोग को दिया गया है पीडब्ल्यू के द्वारा, जिसके वजह से हम लोग को बहुत हेल्प हुआ है, बहुत सपोर्ट हुआ है। क्वेश्चंस कैसे आ रहा है, ऊपर से अभी जो ई जो फिफ्थ ऑप्शन है ई उनको हटा के जो सेट ऑफ ऑप्शंस दिया गया है वो एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली दिया गया, तो बहुत अच्छा एक पैटर्न दिया गया पीडब्ल्यू के द्वारा, जिससे हम लोग को बहुत आगे हेल्प। 13 तारीख के लिए ही तैयारी पूरी है या चाह रहे थे कि आगे बढ़े? नहीं, और तैयारी करना है अभी, जो माइनर मिस्टेक्स अभी हो रहे हैं जैसे करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि करंट अफेयर्स का कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो करंट अफेयर्स को जो पीडब्ल्यू ने क्वेश्चन सेट किए थे उसमें जो करंट अफेयर्स दिया गया था तो उसमें कहाँ तक का बहुत ज़्यादा डीप दिया गया? नहीं, करंट अफेयर्स अच्छा था, मतलब अगर पूछा जाए तो हमको पीडब्ल्यू का करंट अफेयर्स ज़्यादा सही लगा एज कम्पेयर टू बीपीएससी। हाँ, आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, आ जाइए। कहाँ से आई हैं मैम? पटना से है। पटना से पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है। पीडब्ल्यू का स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट? यस सर। तो एक बात बताइए कि आज जो आप परीक्षा दी, जो क्वेश्चन आया एकदम बीपीएससी पैटर्न पर था या फिर कुछ लगा कि टफ कर दिया गया, अरे नहीं लॉ कर दिया गया, ऐसा कुछ? नहीं, सही है, क्वेश्चन सही है, और उसमें ये भी है टेस्ट नहीं है, खुद को जांच करने का टेस्ट है। इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें जिस सब्जेक्ट में हमें जैसे करेंट अफेयर हो या कोई टॉपिक हो तो हम कवर नहीं हुआ है तो उसको जाकर रिविजन कर पाएंगे। अच्छा, तो जो आप क्लास में पढ़ती थी, जो आपके फैकल्टी पढ़ाते थे, क्या वही सेट किए गए हैं या फिर इसमें कुछ घुमाया गया है? नहीं, इन सभी सब सही है, जैसे कुछ पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन ये होता है ना कि अगर पढ़ते हैं रिवीजन करते हैं सारा टॉपिक, क्लास का टॉपिक नहीं आता है, लेकिन रिवीजन करेंगे और सेट बनाएंगे उसके हिसाब से है। इस वाला का एज कम्पेयर टू दूसरे टेस्ट क्या टफ लगा या फिर? नहीं, सही है, सब अच्छा है। अबे सर आज हजारों छात्र फिजिक्स वाला का टेस्ट दिए और अब तो जब ऑनलाइन है तो फिजिक्स वाला इस टाइम इतने बड़े ब्रॉड स्तर पर है, तो ऑनलाइन भी देखते होंगे और छात्रों का मूल्यांकन करते होंगे सर, देखते होंगे तो क्या एवरेज स्कोर रह रहा है छात्रों का, क्योंकि 70वीं सर वैकेंसी बड़ी है और इसमें छात्र जी जान से जुटे हुए। देखिए ऑन ऑन एवरेज की बात करूँ, जैसे ऑनलाइन टेस्ट देने का अलग होता है, एक ऑफलाइन टेस्ट देना वो अलग होता है, तो दोनों का ऑन ऑन एवरेज जो है डिफरेंट है। जैसे ऑनलाइन का मुझे लगता है ऑन ऑन एवरेज मुझे लगता है 95 to 100 जा रहा है सभी का। अच्छा, हाँ एवरेज
की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे हम यार अपना रैंक बताते हैं कि सर हमारा इतना स्कोर आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है। इसके अलावा ऑफलाइन की जो बात है, ऑफलाइन में बच्चे थोड़ा सा और अच्छा मतलब वो करते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी मिलता है, वो सब चीज़ें जैसे पैटर्न है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर मैं दोनों को कंक्लूड वो कर दूँ तो 100 या 95 जो है एवरेज बच्चे कर रहे हैं। और सर आपके जो सबसे तगड़े वाले स्टूडेंट थे आपके क्लास में, टॉप 10 वाले कितने कितने अंदर रहे थे? देखिए अभी जैसे बताया 120-125 भी रहे हैं। 120-125 क्लासरूम के स्टूडेंट? यस क्लासरूम के स्टूडेंट है जो 120-125। आपको कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू मेरा बच्चा का आया था जो 69 क्वालिफाई किया है, उसका 68 में 125 नंबर सही हो रहे थे, मतलब कि आए थे मार्क्स ऑफिशियल। तो बच्चे तो एक से एक है 68 में, तो इतने सारे टॉपर भी हैं। यस बहुत टॉपर दिए हैं 68 में लगातार, 69 में हम लोगों ने दिया है। तो टॉपर तो भाई देती ही है, हमारा बस यही है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, फाइनल हो और बीपीएससी क्वालिफाई कर दे। रैंक वन आना, रैंक 10 आना, वो तो एक वो होता है, सभी को पता है। बट हमारा एक हमेशा मकसद रहा है कि हम लोग कोशिश यही करें कि बेस्ट दे अपना, बीपीएससी वाली की टीम पूरी बेस्ट दे। और कंटेंट के लिए पीडब्ल्यू वैसे भी काफ़ी जानी जाती है, आप लोग कभी आइएगा अगर दिल्ली तो करोल बाग में देखिएगा, पूरी की पूरी टीम बैठी रहती है। बच्चे अभी बहुत ज़्यादा हतप्रभ हैं सर, लड़के कह रहे हैं कि 13 तारीख को एग्ज़ाम है, हम क्या कहें सर को, क्या कहें घर वालों को कि क्या करेंगे हम जाकर परीक्षा में, क्या कहिएगा बच्चों को सर? निराश हैं? निराश तो होंगे जो 2-3 दिन से जो चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं कितना भी बच्चों को कहूँ कि मेंटली आप स्वस्थ रहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हम भी लोग इस फेज से गुजर चुके हैं और हम लोग के वक्त भी ये सब चीज़ें होती थी। बट कहीं ना कहीं वो चला जाता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं पूरा मैसेज भरा पड़ा रहता है इसी से। तो यही है कि मैं बच्चों को कहूँगा कि अब थोड़ा सा हटकर 2-4 दिन जो है वो बहुत ही मुझे लगता है कि जो क्रीम टाइम होता है उसको अब यूटिलाइज कीजिए सबसे बड़ी सर, तीन चार दिन में। सर बच्चे लास्ट टाइम में क्या कर गए? करेंट अफेयर पढ़ो आप, करेंट अफेयर जैसे कि कम से कम 10-20 नंबर जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए। पहली बात तो हम इधर उधर पीडीएफ शेयर होते हैं, वो सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। मैं तो ऑलवेज बोलता हूँ कि लास्ट टाइम करेंट अफेयर पढ़िए, बजट वगैरह पढ़िए, क्योंकि उसके डाटा वगैरह होता है याद नहीं रहते। लास्ट टाइम पढ़ने से वो क्या होता है ना कि दिमाग में एक छवि बनी रहती है जो एग्जाम में देखते ही वो स्ट्राइक कर जाता है। तो करेंट अफेयर, बिहार करेंट और एक जो इन लोगों का साइंस टेक वाला जो पोर्शन है जो काफ़ी लास्ट टाइम बहुत इसने गेम किया था, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी अब कुछ मत पढ़ो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि मैं कहूँगा कि पॉलिटी पढ़ो, मैं कहूँ ज्योग्राफी पढ़ो, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए अभय सर थे हमारे साथ और आज था फिजिक्स वाला का रियल टेस्ट, और बता रहे थे अभय सर कि कितने नंबर लड़के ला रहे हैं एवरेज, और बता रहे थे कि क्या पढ़ना चाहिए अंत समय में जिससे कि 10-20 नंबर बढ़ जाए जितने आ रहे हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। ऑन ड्यूटी पर जय हिंद।